ओ किसया दोस्तों, साउथ की एक और नई मूवी आज के दिन रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है ना सामी रंगा और ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है या फिर फ्लॉप हुई है, इस मूवी की OTT रिलीज डेट क्या है, ये मूवी हिंदी डब्ड में TV और YouTube पर कब रिलीज होगी। सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, ना सामी रंगा जो कि एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसके लीड रोल में आप सुपरस्टार नागार्जुना अक्किनेनी, अशिका रंगनाथ और अल्लरी नरेश जैसे सुपरस्टार को देख पाओगे। वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे लड़के पर जिसको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसके पिता ने वचन लिया था कि वो लड़की किससे शादी कर सकती है और किससे नहीं कर सकती है। यही रीजन है कि अब नागार्जुना अक्किनेनी उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन नागार्जुना का भाई यानी कि अल्लरी नरेश कैसे इस समस्या का सॉल्यूशन निकालता है और इस मूवी का कितना दिलचस्प दी एंड होता है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो कुल मिलाकर ये मूवी पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरपूर है। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर है, साथ ही साथ इस मूवी की स्टोरी भी थोड़ी कमजोर है जिसको और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता था। सो ओवरऑल इस मूवी को पब्लिक की तरफ से एंड क्रिटिक्स की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है और बॉक्स ऑफिस पर भी ये मूवी ठीक ठाक कमाई कर रही है। लेकिन ये मूवी अपने ब्रेक इवन को टच कर पाएगी या नहीं और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी या नहीं, अभी ये कह पाना काफी मुश्किल है। और अगर बात करें ना सामी रंगा मूवी के OTT रिलीज की और हिंदी डब की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने सुपरस्टार नागार्जुना अक्किनेनी की अभी तक कोई मूवी देखी है या नहीं देखी, और अगर देखी है तो आपकी वन ऑफ द फेवरेट मूवी कौन सी है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें ना सामी रंगा मूवी के OTT रिलीज की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के OTT राइट्स हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिसका मतलब ये है कि ये मूवी पूरे एक महीने के बाद आपको OTT पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस मूवी के हिंदी डबिंग का काम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और ये मूवी आपको हिंदी डब्ड में भी 1 से 1.5 महीने के बाद देखने को मिल सकती है।